तो भाई साहब आ रहा अपने पास डब्बा भर के गेमिंग एक्सेसरीज विंग्स की तरफ से, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का वीडियो, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बस गेमिंग कीबोर्ड्स एक 105 करके 100 करके है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, फटाफट से दिखाता हूँ। तो मैं दोनों कीबोर्ड्स को मैं यहाँ पे, तो कीबोर्ड्स अगर तुम देखोगे तो एल्यूमिनियम बॉडी के आपको जो है कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे पसंद अच्छे लगे। मतलब प्लास्टिक वालों का थोड़ा टूटने का डर रहता है गिरने वरने पर, ये आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, ड्यूरेबल देखने को मिलेंगे। दोनों ही कीबोर्ड्स आपको एल्यूमिनियम बॉडी के देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है बस अगर आप बॉडी में देखोगे तो, बाकी वही आपको यहाँ पर बटन्स वगैरह दे रखे हैं टॉप पे। साइड में जो केबल देख रहे हो ना, काफी अच्छी क्वालिटी केबल मिलती है, ब्रेड केबल देखने को मिलती है और लेंथ भी काफी सही है, 1.8 मीटर की लेंथ आपको मिलती है। और इसकी जो यूएसबी ना वो गोल्ड प्लेटेड, तो गोल्ड प्लेट सबसे जो है एकदम बढ़िया माने जाते हैं। और साइड में आपको यहाँ पे स्टैंड दे रखे हैं दोनों का, अगर आपको हाइट को थोड़ा सा लिफ्ट करना है कीबोर्ड को तो आप स्टैंड्स को ओपन करके दोनों ही कीबोर्ड्स को थोड़ा लिफ्ट कर सकते हो। बाकी बटन जो है आपको 104 देखने को मिलते हैं टोटल, जिसमें से 19 जो है वो आपको एंटी घोस्टिंग कीज देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप इनको साथ में प्रेस कर रहे होगे ना तो कोई भी एरर या ऐसा कुछ भी आपको जो है डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि स्पेशली गेमिंग के हिसाब से होता है कि हम लोग गेम के टाइम पे बहुत सारे कीज एक साथ प्रेस करते हैं, तो वहां पर ये जो एंटी घोस्टिंग कीज है दिक्कत आपको देंगे नहीं। अब कीबोर्ड में वैसे आरजीबी लाइटिंग इफेक्ट दे रखा है, काफी जबरदस्त दिखता है, आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है। मतलब अगर आपका कंप्यूटर सेटअप अगर है गेमिंग वाला तो उसका बहुत ही अमेजिंग दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पे कलर्स वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह को आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपका बटन दे रखा है तो उसके थ्रू आप चेंज कर पाएंगे इसको। दोनों ही कीबोर्ड में आपको देखने को मिलता है, दोनों ही कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि काफी कूल और कलरफुल अट्रैक्टिव आपको आरजीबी लाइटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे। अब मैं आपको दोनों ही कीबोर्ड से साउंड सुनाता हूं कि जो बटन प्रेस करने पर किस तरह का साउंड क्रिएट करता है, एक बार देखो आप। तो आपने देखा कि दोनों ही कीबोर्ड्स के जो की प्रेस का साउंड है वो थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, डिफर करता है। कुछ कीज जो है वो अलग साउंड क्रिएट कर रही थी, स्पेशली शिफ्ट वाली की उसको अगर प्रेस कर रहे तो एक अलग साउंड क्रिएट होता है और दोनों में अलग अलग थोड़ा सुनने देता, तो ये हल्का सा आपको फर्क देखने को मिलता है। वहीं प्राइसिंग में भी उतनी फर्क आपको देखने को मिलता है, 100 जो है आपको 899 रुपीज़ का देखने को मिलता है और 105 जो है आपको 999 रुपीज़ का मिल जाता है। अब इसके साथ में इन्होंने 3 माउस भी लॉन्च करें, एक तो 100 करके है, एक 200 करके, एक 205 करके, थोड़े बहुत डिफरेंस आपको दोनों ही यहाँ पे तीनों माउस में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले मैं हेयर 100 की बात करूं तो ये आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है, अराउंड 400 रुपए की आपको ये माउस मिल जाएगा अभी लॉन्च प्राइस में। अब आप इस माउस को देखोगे फिजिकली तो डिजाइन थोड़ा सा वही गेमिंग वाला आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे टॉप पे आपको एक टेक्सचर वगैरह देखने को मिलता है, विंग्स का लोगो वगैरह कर रखा है, साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब साइड में यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन आपको देखें जो कि गेमिंग के हिसाब से कहने के स्पेशली रिक्वायर्ड रहते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो स्क्रॉलिंग बटन दे रखा है, वो भी प्रेसेबल है, मतलब वो भी एक बटन की तरह भी काम करता है। साथ ही ऊपर आपको एक सिंगल बटन देखने को मिलता है और राइट लेफ्ट वाला जो बटन है वो तो आपको माउस में मिल जाता है। इसमें भी काफी कूल आरजीबी लाइटिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब वैसे ये माउस में आपको 3200 DPI का जो है रिस्पांस टाइम देखने को मिलता है और स्मूथनेस मेरे से काफी अच्छी है। मतलब आप गेमिंग के टाइम पे देखो यूज करोगे तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे पर्सनली आई नहीं यहाँ पर, बट ये है कि कहीं ना कहीं इससे और बेहतर इसके 200-205 वाला वर्जन आपको देखने को मिलता है। बट बेसिक है, मतलब अगर आप 400 रुपए में अगर खरीदना चाह रहे हैं तो यार आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। 200 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 6400 DPI देखने को मिलता है और लुक एंड डिजाइन भी थोड़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलती है और इसमें जो आरजीबी इफेक्ट है वो काफी पॉप आउट होकर आते हैं। मतलब यानी कि जो हर जगह आप देख सकते हैं कि आरजीबी का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। साथ में उसका मूवमेंट है वो काफी स्मूथ है, मतलब मुझे ज्यादा स्मूथ लगा है एज कम्पेयर टू 100 के मुकाबले। और यहाँ पर आपको 8 बटन फंक्शनलिटी देखने को मिलती है, 100 में 6 बटन फंक्शनलिटी थी, इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हो, क्योंकि इनमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है तो जिसके थ्रू आप इसके जो बटन है उनको कस्टमाइज कर सकते हैं और जबकि माउस कसर की स्मूथनेस है फास्टनेस है उसको कहीं ना कहीं कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लुक है फील आपको देखने को मिलता है इसमें भी। 205 थोड़ा सा ज्यादा और गेमिंग के हिसाब से लगता है, मतलब लुक इसका काफी सही लगा मुझे पर्सनली और आप देख सकते हैं कि आरजीबी इफेक्ट इसमें बहुत अमेजिंग देखने को मिलते हैं और सेम स्पेक्स ऑलमोस्ट अगर 200 का आप देखेंगे तो इसमें आपको 6400 DPI देखने को मिलता है। अल्ट्रा स्मूथ फंक्शनलिटी और 8 बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं और इसको भी आप जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो क्योंकि इसमें भी सपोर्ट आपको दे रखा है यहाँ पे। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तीनों ही आपको माउस में गोल्ड प्लेट यूएसबी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो इसके वायर्स हैं वो ब्रेडेड है, तो मतलब ज्यादा टाइम तक आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म तक आप इनको यूज कर पाएंगे। यूजुअली माउस में यही दिक्कत आती है कि वायर कट जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, बट वो आपको ब्रेडेड केबल में देखने को नहीं मिलता। अब जैसे प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो 200 जो आपको 500 के आसपास देखने को मिलता है, 205
5 जो है वो आपको 600 के आसपास देखने को मिल जाएगा, और इन सभी को आप चेकआउट करोगे, इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख पाओगे। बट यहाँ पर सबसे अमेजिंग चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है गेमिंग हेडफोन्स। तो यहाँ पर 3 इन्होंने गेमिंग हेडफोन्स लॉन्च करे, जिसमें वेडर 100 जो सबसे बेसिक मॉडल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और इसकी जो प्राइसिंग है वो 999 रुपीज़ रखी है। इस मॉडल में अगर जैसे देखेंगे बॉडी को देखेंगे तो फिजिकली प्लास्टिक बिल्ट आपको देखने को मिलता है, लाइट वेट है और हेड एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं। इसे प्रॉपरली आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है तो वो कर पाऊंगा। आप यहाँ पे कुशन से अगर बात करूँ तो कुशन कंफर्ट काफ़ी सही लगा मुझे यहाँ पे, मतलब अगर लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि गेमिंग यूजुअली 2-3 घंटे अगर आप बैठ गए तो भाई आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर कंफर्ट आपको काफी प्रॉपर देखने को मिलेगा। इवन जो इसके माइक है वो एडजस्टेबल है, थोड़ा सा और एडजस्टेबल हो सकता था, और ये जो माइक्रोफोन्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट सी, और मैं आपको टेस्ट करके दिखाता भी हूँ कि किस तरह का जो है और इसका परफॉर्मेंस रहता है माइक्रोफोन का। तो ये वाला जो हेडफोन है ये वेडर 100 है, और इनकी क्वालिटी थोड़ी सी डिसेंट है, मतलब परफॉर्मेंस उतनी एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगी 200-300 के मुकाबले, बट हाँ एक बेसिक फंक्शन आपके लिए माइक्रोफोन काम कर जाता है। बस ये वाले हेडफोन में एक चीज़ है कि ये आपको केवल ऑक्स वाला देखने को मिलता है, इसमें यूएसबी वाला नहीं देखा, यहाँ पे केवल ऑक्स के थ्रू आप पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, इवन फोन वगैरह में भी कनेक्ट करके आप जो है गेम वगैरह खेल पाओगे। यहाँ पे आरजीबी लाइटिंग का इफेक्ट वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, बस वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह दे रखा है और ऑन ऑफ करने का दे रखा है, बस इसके अलावा आपको कुछ खास देखने को मिलता नहीं। दूसरे वाले मॉडल पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर वेडर 200 करके, और ये वाला मॉडल थोड़ा सा ब्लैक मैट फिनिश में आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन मुझे पसंद, इसका थोड़ा सा बेहतर लगा और कंफर्टेबल भी कहीं ना कहीं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो। हेड कुशनिंग भी इसमें प्रॉपर कर रखी है, ऊपर भी देखने को मिलती है, साइड्स में भी देखने को मिलते हैं, और ये सभी जो हेडफोन्स हैं ऑन ईयर हेडफोन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो माइक है ना वो माइक को एकदम फ्लश हो जाता है, अगर इसको निकालोगे और फिर थोड़ा सा आप यूज करोगे तो बढ़िया आपको एक लुक देखने को मिलता है गेमिंग वाला। साइड में इसमें आरजीबी का इफेक्ट भी देखने को मिलता है, माइक में भी दे रखा है थोड़ा छोटा सा, और यहाँ पर जो हेडफोन जो हेड्स हैं इसमें भी आपको जो आरजीबी इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और आप इसमें जो वॉल्यूम है वो भी उसका ज्यादा कर सकते हो हेडफोन में। और ये वाला जो हेडफोन है इसमें आपको दोनों चीज देखने को मिल जाएंगी, ऑक्स और यूएसबी दोनों का सपोर्ट आपको दे रखा है, तो काफी सही चीज लगी मुझे। और यहाँ पे जो उसका माइक टेस्ट है वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो हेडफोन है ये है वेडर 200, और इसके माइक्रोफोन भी कुछ जो है क्लोज वाला आपको देखने को मिलता है, थोड़ी सी क्वालिटी मुझे बेहतर लगी वेडर 100 के मुकाबले, और आपको ही समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस कहीं ना कहीं इसमें आता है। एक पॉइंट ने मिस कर गया था इस हेडफोन के बारे में कि ये भी हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं, और इनकी जो प्राइसिंग रखी है वो 1200 रुपये रखी है लॉन्च प्राइस। अब तीसरा वाला जो हेडफोन है इसकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा प्रीमियम आपको देखने को मिलता है, लुक वाइज भी डिजाइन वाइज भी, साथ ही साथ इसमें जो फीचर है वो भी कहीं आपको थोड़े प्रीमियम देखने को मिलते हैं। ये वाला है वाइडर 300 करके, और इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है। इसमें ना ये दो हेड कुशन आपको देखने को मिलते हैं और मेटलिक रीम आपको देखने को मिलती है, तो इससे ना कहने की लॉन्ग टाइम सर्विस देखने को मिलती है। प्लास्टिक वाले थोड़े से ना स्ट्रेच करने पर, यूजुअली ये स्ट्रेच करने पर ही टूटते हैं, और यहाँ पर आपको मैटलिक देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। हाइट एडजस्टेबल है ये भी, अगर आपको करना है थोड़ा बहुत हाइट को एडजस्ट आप यहाँ पे कर पाओगे। साइड में अगर आप देखोगे तो मस्त आरजीबी का कूल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है गेमिंग के टाइम पे, और इसका माइक जो है ना कहीं ना कहीं बहुत एडजस्टेबल लगा मुझे, मतलब थोड़ा सा जो दोनों मॉडल थे उनके मुकाबले कहीं ना कहीं माइक को आप बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इवन इससे प्रॉपर आपको बटन्स वगैरह दे रखे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, माइक को अगर ऑफ करना है ऑन करना है तो वो कर पाओगे। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दे रखा है, और ये भी आपको जो है यूएसबी के साथ और ऑक्स के साथ देखने को मिलता है। और इसके लिए माइक टेस्ट की परफॉर्मेंस को दिखाता हूं कि यहां पर डीनोइजिंग टेक्नोलॉजी का इन्होंने जो है माइक्रोफोन में यूज किया है। तो गाइस जो आप सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है बैटर 300 से, और इसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डीनोइजिंग यहाँ पे उन्होंने यूज़ करी हुई टेक्नोलॉजी। जितना पास आप रहे आपके रहेगा ना उतनी ज़्यादा ही आवाज़ क्लियर करता, थोड़ा सा दूर करेंगे तो थोड़ा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा सामने वाले के सुनने के लिए। तो सच कहूँ तो मैं वाला हेडफोन से काफ़ी इंप्रेस हुआ, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज भी, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको बेहतर देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यानी कि तीनों हेडफोन्स में आपको बेस उतना तगड़ा देखने को नहीं मिलता है, बट ये चीज़ है कि क्लैरिटी अच्छी है, जो गेमिंग के हिसाब से कहने के डिटेलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कहने के आपको जो ये हेडफोन्स फुलफिल करते हैं। और जो प्राइसिंग है वो आपको 1800 रुपये देखने को मिलते हैं, यानी कि लॉन्च प्राइस 1800 रुपये, थोड़ा सा बाद में फ्यूचर प्राइसिंग देखो बढ़ जाएगी। बट तीनों हेडफोन्स में ना आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 50mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, कि जो वेडर 100 और वेडर 200 है उसमें आपको जो है 40mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। और ये वाले हेडफोन की थोड़ी केबल लेंथ आपको बड़ी देखने को मिलती है, 2.1 मीटर केबल लेंथ आपको मिलती है, कंपेयर टू अदर्स जो कि आपको 1.8 प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही ये जितने भी गेमिंग हेडफोन्स में रिव्यू करें इसको आप पीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एक्सबॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हो, इवन मोबाइल एसेसरीज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास डोंगल है तो डोंगल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से पीसी पे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ज़्यादा, और कंसोल वगैरह जैसे कि PS4 PS5 में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। तो ये जो है कुछ एसेसरीज अभी जो है विंग्स ने लॉन्च करी है, मुझे पसंद लगा कि लॉन्च के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स कुछ आपको बेहतर देखने को मिलते हैं, और अगर आपका बजट उतना है तो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादातर बस यही कहूँगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको विंग्स से कौन सी एसेसरी बेस्ट लगी है। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेट रहेगा एंड दूर एक्सप्लोर के साथ।